भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में चावल व्यवसायी गौतम भगत से 5 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस लूट कांड का उद्भेदन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 युवक और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 89,000 रुपये, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सबसे पहले अभिजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके निशानदेही पर छोटू सा, लखन यादव, बेबी देवी और मोहम्मद राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों से बरामद 89,000 रुपए और अन्य सबूतों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्राची स्टोर, इनका मालिक का नाम है गौतम कुमार, उनका दुकान से 5 लाख रुपए का लूट हो गई का सूचना मिली है। सूचना मिलने पर पूरा ललमटिया थाना SHO DSP 2 उनके द्वारा घटनास्थल पहुंचकर तुरंत अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। गंभीरता लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन पर एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम पे DSP 2 ललमटिया थाना SHO, नाथ नगर SHO, मधुसूदनपुर SHO शामिल, विशेष टीम और तकनीकी शाखा उनको सहयोग से चकमारी चलाया जा रहा था। चकमारी क्रम में घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ है। सुल्तानगंज नगर परिषद के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में स्कूली बच्चों को रसोईया द्वारा कुत्ते का जूठन खिलाने के आरोप पर हंगामा हो गया, जिसके बाद अभिभावकों और बच्चों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताया है। ग्रामीणों और वार्ड पार्षद सुभाष कुमार ने बताया कि रसोईया लूसी देवी और मौसम देवी पर बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन परोसने का आरोप है। हंगामा तब शुरू हुआ जब रसोईया और नर्स के बीच झड़प हुई, जिसके बाद घटना की चर्चा सामने आई। अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन से रसोईया को तुरंत हटाने की मांग की। वहीं प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं रसोईया लूसी देवी ने भी इन आरोपों को नकार दिया है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को सामान्य बनाया। उन्होंने बताया कि रसोईया की नियुक्ति शिक्षा समिति द्वारा की जाती है और अगर ग्रामीण रसोईया को बदलना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा समिति की बैठक कर इस निर्णय की सूचना देनी होगी। इस दौरान शिक्षक, अभिभावक और स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। मामला यह है कि कुत्ता का जूठा खाना बच्चे को खिला दिया गया था जी, और उसके कारण यहाँ पर विवाद हुआ, उसको बोला गया था, इसलिए रसोईया को हटाया जाए यहाँ और रसोईया को दिया जाए। क्या मामला हुआ स्कूल में? स्कूल में मामला यही हुआ, स्वास्थ्य विभाग में आई मैडम के पास दवाई लेने के लिए, रसोईया को दवाई दिया, जितना था दवाई उतना दे दिया, बस रसोईया उसके मैडम के मुंह पे फेंक दिया दवाई। उसके बाद राजेश मास्टर को बोला जा करके, राजेश मास्टर उसको बोला कि हम प्रभारी को बोल करके आपका यहाँ से ट्रांसफर करवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। कौन? राजेश मास्टर बोले। राजेश कौन है? राजेश हेड मास्टर हुए। हाँ, तो क्यों भीड़ है यहाँ? भीड़ इसी के वजह से है, कुत्ता का जूठा खाना खिलाया उसके वजह से भीड़ है। और क्या मामला है? और तो मामला तो बताइए रहे हैं कि दवाई लेने के लिए गई रसोईया, उसके मुंह पे फेंक दिया, राजेश आकर के बोले कि हाँ ऐसे दवाई ले लो। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में दुर्गा पूजा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया और पूजा के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्गा पूजा का आयोजन और विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। साथ ही शांति समिति के सदस्यों से भी आग्रह किया गया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समय पर पूजा की शुरुआत और विसर्जन सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोजपा रामविलास पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में भागलपुर के सर्किट हाउस में पार्टी की समीक्षा बैठक
आयोजित की गई। प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पार्टी की विशाल जनसभा होगी। इसे सफल बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर सभी जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही है ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता जनसभा में शामिल हो सके। वहीं संजय पासवान ने इस अवसर पर विपक्षी पार्टियां पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिहार मुश्किल में था तब तेजस्वी यादव विदेश में थे और अब वे यात्रा निकाल रहे हैं। पासवान ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष सुबोध पासवान, प्रदेश महासचिव रवि रंजन सहित कई लोजपा नेता शामिल थे। इस देश में और इस राज्य में एकमात्र दलित नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जिन्होंने हर वक्त सभी जाति धर्म की लोगों की बात की है। बिहार में आज सारे 3 वर्षों से हम लोग लगातार हर गांव, हर कस्बे में जाकर आवाज उठाने का काम किया है और उभर कर सामने आए। कौन किसको बना रहे हैं हम लोग देखेंगे, पार्टी बनाए हैं तो उनको शुभकामना है। चिराग जी को लेकर बात सामने आ रही है कि एनडीए से अलग होकर विधानसभा, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे, भविष्य में भी हम लोग साथ में हैं। भागलपुर से हैं और घर बनवाने, घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी एक सुनहरा मौका, जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीदा डिजाइन करवाने का मौका। जमीन का नक्शा से लेकर भवन निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन, फिनिशिंग जैसे टाइल, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर इत्यादि सारा काम होता है। तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी, एसपी कोठी, तिलका मांझी, भागलपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7545801487, दूसरा नंबर है 9304630172। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, नगर परिषद के सिटी मैनेजर रविश वर्मा और जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल उपस्थित रही। बैठक में सभी दुर्गा मंदिरों के अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद और विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया। वहीं थाना अध्यक्ष ने सभी को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान लाइसेंस लेने, डीजे बजाने पर प्रतिबंध और नशा मुक्ति का पालन करने के साथ सरकार के सभी गाइडलाइनों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। बैठक में बड़ी संख्या में समाज सेवी, मंदिरों के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की आज मीटिंग की गई, इसमें जो पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वो हमारे गणमान्य लोग प्लस पूजा कमेटी के सारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वगैरह पहुँचे हुए थे और सरकार का जो दिशा निर्देश है उसे सब लोगों को अवगत कराया गया है और उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा ऐसा बता दिया गया है। जो निर्देश है उसमें कोताही बरतने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कुल कितने जगह मूर्ति, 19 जगह भी हैं, एक जगह लोग नहीं कर रहे हैं, कलश की स्थापना है सिर्फ 19 जगह हमारे यहाँ हैं और हर जगह फोर्स की व्यवस्था रहेगी, सादे लिबास में फोर्स रहेंगे। जुलूस के समय, विसर्जन के समय ड्रोन पेट्रोलिंग भी होगा, जहाँ जहाँ से मूर्ति का उठेगी विसर्जन के लिए पहले से वहाँ फोर्स और अफसर रहेंगे, शुरू से ही वहाँ वीडियोग्राफी होती रहेगी, जो पूरे मार्ग में जहाँ जहाँ उनका मूवमेंट है वहाँ वहाँ तक वीडियोग्राफी होती रहेगी। पंडाल में सर क्या दिशा निर्देश दिया गया? पंडाल में CCTV कैमरा लगाना मस्ट है। जी।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदीपुर कररिया गांव के 38 वर्षीय यदुनंदन की संदिग्ध मौत की गुत्थी को पुलिस दूसरे दिन भी सुलझाने में असफल रही। पुलिस और परिजन दोनों ही बेसब्री से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मौत की परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा। यदुनंदन की पत्नी ने इस मामले में बबलू यादव और शिव बालक को नामजद करते हुए थाना में कांड दर्ज कराया है। उन्होंने स्थानीय थानेदार को भी अपने पति के मौत का कारण बताया है। परिजनों का आरोप है कि अवैध बालू उत्खनन को लेकर जलधर यादव और अन्य आरोपितों के साथ यदुनंदन की पुरानी दुश्मनी थी। इस विवाद की जानकारी पुलिस को 4 अगस्त को ही दी गई थी, लेकिन एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मामले की शिकायत वरीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यदुनंदन के परिजनों का कहना है कि जलधर यादव के छोटे भाई बबलू यादव ने यदुनंदन को घर से बुलाया और धमकियों को अंजाम दे दिया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में जलनल के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल रविंद्र यादव ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि शिवनंदनपुर वार्ड 9 के निवासी दबंग उदो यादव, पप्पू यादव, गब्बर यादव, अभिषेक कुमार, टुनटुन यादव, संजू देवी और सीता देवी ने नलजल का पानी उनके घर के पास आने पर विवाद किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने रॉड, ईंट, पत्थर और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल योजना के कारण हुआ है। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। कहाँ घर हुआ? शिवनंदनपुर। कौन लोग मारा है? पप्पू, गब्बर, उदो यादव, टुनटुन यादव, सब ने मिल के मारा है। क्यों मारा? वही पानी हमारे द्वार गहराम है, उसका उचाप है। हाँ। तो पानी बहा देता था। हाँ। तो पानी जो है अपना बहाते हो तो अपना आगे में रखो। हाँ। तो पंजोबड़ी जो है खड़ो खोल के जो है हमारा द्वार को ऊपर दे देता है। वही लेकर मारपीट किया। हाँ, वही लेकर।